अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड दिस व्लॉग इज़ अबाउट हाउ आई स्टोर माय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम पाकिस्तान की तरह हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती रेंज में, और हम एक ही दफ़ा ले आते हैं, और फिर जब भी मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में जाती हूँ तो मैं ले आती हूँ। तो मैं इनको कैसे स्टोर करती हूँ उसके लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। सबसे पहले टोमेटोज़ पे आ जाएँ। आपने देखा था पहले क्लिप्स में मैंने फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स सारे अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, और फिर मैंने टोमेटोज़ को भी वॉश कर लिया था। और इनको मैं स्टोर करूँगी कि इनको मैं ऐसे स्टोर करूँगी कि मैं इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया मैंने, और इसको मैंने डाल लिया है अपने प्यूरी बनाती हूँ मैं इसमें, वैसे ही छोटा सा ब्लेंडर है। तो मैंने ये किया था कि मैंने इसमें डाल दिया था, तो मुझे इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पेस थी, ये बच्चों के शेक वगैरह बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने बाद में दूसरे वाले जो चॉपर होता है उसके अंदर डाल के किए थे। और इसमें मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा था, लेकिन जो मैंने दूसरे चॉपर में किया तो मुझे बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना पड़ा और मैंने उसमें ईजिली कर लिया। तो आप लोग भी चॉपर यूज़ करें, अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर यूज़ करिएगा इसके लिए। ये देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, और साथ ही मैंने स्टोव पे एक पैन रख दिया था और उसमें मैं ये प्यूरी ऐड करती गई, और मैंने इसका वाटर रिड्यूस कर लिया था। इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने कुछ देर पकाया जिसकी वजह से इसका वाटर रिड्यूस हो गया था, और बस ये मेरी प्यूरी हो गई थी रेडी। और ये रॉ फॉर्म में ही है, जैसे आप रॉ टोमेटो डालें किसी खाने में उसी तरह ही है। और मैंने बस इसको बना के, और जब ये ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। तो फिलहाल मैंने इसको डन कर लिया अपनी प्यूरी को, और फिर इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। और मीनवाइल मैंने अपनी बाकी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट वो भी सारे समेटने थे। और एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आपने फ्रूट्स को ज़्यादा देर तक रखना है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए विनेगर वाटर में भिगो कर रखें, उसकी वजह से आपके जो फ्रूट्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो फ्रेश रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखें मेरी टमेटो प्यूरी जो मैंने सबसे पहला काम शुरू किया था वो मैं कर रही हूँ, और मेरा काफ़ी हद तक ये वाला काम हो गया है डन। और बस अब ये ठंडा हो रहा है, इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा स्पून चला लिया ताकि थोड़ी सी जो इसकी स्टीम है वो थोड़ी सी वेपरेट हो जाए, और इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा वो रनी फॉर्म में था इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा इसका ड्राई कर लिया। वैसे एज इट इज़ भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कुछ टोमेटोज़ के ऐसे स्लाइसेस कर लिए थे क्योंकि बिरयानी में आपको पता है कि स्लाइसेस डालने की ज़रूरत होती है, और फिर अक्सर ऐसे होता है कि आपके पास फ्रेश टोमेटोज़ नहीं पड़े होते, तो फिर मैंने इनके स्लाइसेस करके और इनको एज इट इज़ ही फ्रीज़ कर लिया था जिप लॉकर में डाल के। तो मैंने जब बिरयानी वगैरह बनानी होगी तो मैं इसको डायरेक्ट इसी तरह ही निकालूंगी। और टोमेटोज़ की ये अच्छी बात है कि बाकी वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रीज़र में सॉगी सी हो जाती हैं, लेकिन टोमेटोज़ बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते हैं। और अगर आपको ये मिल रहे हो तो आप इसको आराम से बल्क में लेकर आ सकते हैं, और आप इसको आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये मैंने बिरयानी के लिए रख लिए थे। और एक और तरीका है जिससे मैं टोमेटो को फ्रीज़ करती हूँ, वो ये है कि मैं टोमेटो को कुछ भी नहीं करती, बस इसका ऊपर से मैंने ये पार्ट उतारा और नीचे से कट किया, और मैंने इसको एज इट इज़ ही फ्रीज़र में रख दिया। और जब मैंने यूज़ करना हो तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के गर्म पानी में रखती हूँ, और इसका जो पील है वो ईज़िली रिमूव हो जाता है। और उसके बाद जो जिसमें आप मसाले वगैरह कूटते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसमें आप इसको जब कूटेंगे तो वो बिल्कुल ही आइस की तरह होता है, तो वो बहुत आराम से वो ब्लेंड हो जाता है, वो ब्लेंडेड फॉर्म में आ जाता है, और आपको वो भूनने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये सबसे इजी वे है आपको टोमेटो को फ्रीज़ करने का। तो मैं वाटरमेलन भी लेकर आई थी, और वाटरमेलन जो है आपको पता है वो बड़ा होता है, वो एक ही दफ़ा मैं सारा नहीं काटती हूँ, हाफ हाफ करके कट करती हूँ क्योंकि वो भी अपना पानी छोड़ देता है। तो मैंने हाफ़ इसको कट कर लिया है, और हाफ़ जो है उसको मैंने जो क्लिंग फिल्म होती है उससे मैंने रैप करके और एज इट इज़ ही मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये देखें यहाँ पर मैंने सिर्फ इसके ऊपर वाले पार्ट को जो है क्लिंग रैप कर लिया है, इसको नीचे से पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। और इसको बस आप फ्रिज में रख दें, और जब आपने खाना हो तो फिर आप इसको निकाल के दोबारा से कट कर लें। यहाँ पर मैंने जो है बेल पेपर्स ली थी कलरफुल जो होती हैं,
और मेरी काफ़ी ज़्यादा थी, मुझे समझ नहीं आई थी कि इनको कैसे करूँ, वरना ये भी सौगी सी हो जाती हैं फ्रिज में पड़ी हुई। तो फिर मैंने इनको इस तरह जूलियन फॉर्म में कट कर लिया और मेरे पास स्प्रिंग अनियन थी, तो ये मेरा एक चाइनीज़ सा मिक्सचर बन गया था। इसमें सारी बेल पेपर्स थी और स्प्रिंग अनियन, और इसको मैंने बॉक्स में डाल के फ्रीज कर लिया था। अब मैं कोरिएंडर को मैं रखने लगी हूँ। कोरिएंडर को रखने की टिप ये है कि आपने इसको नीचे से कट कर लेना है जहाँ से ये टाया हुआ होता है, और इसका बाकी सारा जो पार्ट है ये एडिबल होता है, आप इसको खा सकते हैं। और फिर मैंने इसको एक नैपकिन रख के, पेपर टिश्यू नैपकिन रख के, और उसको फिर मैंने इसके ऊपर एक जो है स्टील का जो स्पून है वो रख लिया था। और ये हैक बहुत ज़्यादा वर्क करता है, आप ये करके ज़रूर ट्राई करें। बस इसको मैंने एयर टाइट में बंद करके रख दिया और ये फ्रिज में काफ़ी देर, ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए ये स्टे करेगा। आप देखें मेरी ये प्यूरी जो है ये ठंडी हो गई। अब मैंने इसको जो है वो फ्रीज़ करने के लिए क्यूब्स की फॉर्म में रख दिया, और ये बहुत इजी टू यूज़ होता है। आपने जितना डालना हो आप क्यूब्स काट के डाल लें। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें, उनके हेड्स मैंने तोड़ ली हैं, और इनको भी मैं एयर टाइट में रख के फ्रिज में रख दूँगी, और ये भी काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर जाती हैं। उनको पहले मैंने वॉश किया था अच्छे से, और फिर मैंने इसको एक दिन के लिए ड्राई होने दिया था इनका, ताकि पानी वगैरह ना हो, वरना पानी में फंगस आ जाती है। तो बस इसको भी मैं रख दूँगी फ्रिज में स्टोर करने के लिए, और ये काफ़ी दिनों तक ये भी ठीक रहती है। और इसके बाद जो है मेरी लास्ट चीज़ वो है लेमन। लेमन्स मैंने एक ही दफ़ा ज़्यादा ले लिए थे, मैं वेजिटेबल शॉप में मार्केट में गई थी, तो फिर मैंने उनको क्या किया कि मैंने इनका ऐसे जूस निकाल लिया था, ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा था और ऊपर से मैंने इनको स्क्वीज़ कर लिया था। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन फिर मैंने इनको ऐसे कर लिया था। और फिर मैंने इनको भी, जैसे मैंने टमाटो की क्यूब्स बनाई हैं उस समय, मैंने इनकी भी क्यूब्स बना के और मैंने इनको जिप लॉक में रख के फ्रीज़र में रख लिया था। वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहा था कि मुझे जब भी इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने आराम से यूज़ कर लिया था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।